तू गुस्से में भी होती है ना, बहुत प्यारी लगती है सच में। तुम साइको हो क्या तुम? जिस दिन हाँ होगा ना उसी दिन आना। चल निकल, बकवास बंद कर। बकवास मत करो ठीक है, क्या कर लोगे बस तो मुझे हाँ या ना का जवाब दो। नहीं, नो, नेवर। अब बताओ क्या कर लोगे? हाय। हेलो, बैठो, तुम्हारे लिए ही लगे थे। अच्छा बताओ, तो रास्ते में तकलीफ तो नहीं? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही, मैं तो बता दूंगी। तुम मुझे बताओ तुम कुछ क्या चाहिए पहले? इतना आते आते गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैसेज में भी इतना गुस्सा हो रही हो, इसमें भी गुस्सा करने वाले काम है ना तुम्हारे? क्या बात है बताओ, क्या बोल रहे हो तुम? क्या मतलब इसमें गुस्सा? उसके स्क्रीनशॉट है मैं बस। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो अनसेंड कर दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं किया हूं, मेरे पास भी है सब कुछ, ऐसा नहीं है। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है बताओ? नहीं ये सब क्या है मुझे बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जो अच्छा लगता है ये सब बोलना, जो भी चीज लिखा हूँ सच में दिल से रियल वाला है। तुम यार खुद सोचो, हम इतने टाइम पहले जानते हैं एक दूसरे को, ये वो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम एकदम से ऐसे बोल दोगे कि मुझे प्यार करता हूँ, नहीं मानूंगी तो मतलब ये हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। बताओ, सुनो सुनो, कोई प्यार नहीं कर सकता है? कर सकता है, धमकी से थोड़ी प्यार कर सकता है एकदम से। मैं आई ही इसीलिए, मानता हूँ गलती हो गया, मानता हूँ गलती हो गया, लेकिन सच में अभी बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ। मैं नहीं करती तुमसे प्यार। क्यों नहीं कर? क्यों का क्या मतलब है? मैं किसी और से करती हो? किसी और से भी नहीं करती, किसी से नहीं करती। देखो यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है ठीक है। अच्छा, तुम अगर तुमसे ज्यादा मेरा हो रहा है ठीक है। खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं है तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ। 13 साल में तुमसे मतलब जब से देखा हूँ ना। अच्छा, उसके बाद सही से नहीं रहा हूँ ठीक है। अच्छा, एकदम से तुम्हें याद आ रहा है कि मुझे सिमरन से प्यार हो गया? एकदम से नहीं, एकदम से। कितना दिन पहले से मैसेज कर रहा हूँ? मैसेज तो कर रहे हो, ये बात तो तुमने मुझे अभी बतानी शुरू करी है ना। एक हफ्ते से दिमाग खा रहे हो तुम मेरा। दिमाग खा रहे हैं तुम्हारा? और क्या कर रहे हो? जब मैंने तुम्हें मना कर दिया। ये प्यार है ठीक है, इसे प्यार बोलते हैं, इसे चेप होना बोलते हैं। जब मना कर दिया आपको कि नहीं हमें बात करनी तुमसे, तो तुम क्यों कर रहे हो फिर? अगर कोई पसंद आ जाए ना, अगर उसे बढ़िया से चाहा जाए ना, वो जरूर मिलता है ठीक है। तो वहीं तुम पसंद आ गई हो। अच्छा, और मैं नहीं चाहती तुम्हें तो फिर जब मैं नहीं रहना चाहती, जबरदस्ती लाऊंगा। क्या करोगे? जबरदस्ती करोगे? मजाक चल रहा है यहाँ पे? जबरदस्ती करोगे? इसलिए मैंने बुलाया। अच्छा, और मैं इसीलिए आई हूँ ताकि तुम्हारे सामने सब कुछ बात कर सकूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरपोक हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती तुम्हें? तुम कुछ भी करोगे? तुम मेरे साथ रहोगे तो तुमने क्या लिख के भेजा मुझे? जबरदस्ती मतलब करूंगा, जबरदस्ती तो जबरदस्ती अभी भी बोल रहा हूँ, जबरदस्ती प्यार करूंगा, क्या मतलब है इसका? तुम क्या कर लोगे बताओ मुझे? करो ठीक है, क्या कर लोगे बस? तुम मुझे हाँ या ना का जवाब। नहीं, नो, नेवर। अब बताओ क्या कर लोगे? और मेरे तरफ से हाँ है और रहेगा। अच्छा, तो तुम्हारे हाँ की वजह से क्या हो जाएगा? जैसे भी करना होगा कर लेना फिर ठीक है। मैं नहीं, मैं चाहती ही नहीं हूँ तुम्हें, मैं पसंद ही नहीं करती तुम्हें। दूसरा कोई चाहेगा ना तो मार देंगे। क्या करोगे? मार डालेंगे। बतेरे लोग चाहते हैं मुझे, सबको मार दोगे, दुनिया को मार दोगे। कौन चाहता है? चाहता कौन है? बहुत लोग चाहते हैं। तो क्या करोगे? मार दोगे? तो किसी और से नहीं करने दूंगा। और अगर मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो क्या करोगे फिर उसका? तो उसे भी मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। अच्छा, दोनों? तुम क्यों, तुम क्या हो जो ऐसे कर लोगे बताओ मुझे? क्या हूँ? नहीं जानती तुम मेरे बारे में? नहीं जानती? नहीं जानती ना, बताओ मुझे, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। अच्छा, तो अच्छा बताओ फिर ठीक है, कर लोगे तुम? मेरे और मेरे टीम वाले को जानती हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें थप्पड़ लगाऊं। अच्छा, तुम मुझे मारोगे? और इसलिए आज सब कोई गया है कहीं कहीं ना कहीं काम से, मैं इसीलिए तुम्हारे वजह से यहाँ पे। मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ और आखिरी बार समझा रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं चाहती, नहीं चाहती, और मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ऐसा थोड़ा सा तमीज में ठीक है? तुम्हारे लिए तुम हमें चाटा भी लगा दोगे ना, सब बर्दाश्त है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना। पागल हो क्या तुम? पागल वाली बात कर रहे हो? सुनो, ऊंची आवाज में बात मत करो ठीक है? तुम ऊंची आवाज में बात मत करो, क्या बदतमीजी है ये? मतलब तुम चाहती क्या हो? कोई अगर किसी से क्या चाहता है तो ये हरकत करता है क्या? तो प्यार उसमें होता है जब हम किसी और को कुछ देख सकते हैं, चाहे किसी के साथ भी रहे वो। तुम क्यों नहीं चाह रही हो? अपना प्रॉब्लम तो बताओ। मैं नहीं चाहती तुम्हें, मैं पसंद मेरे दिल में। देखो, मैंने शुरू से कभी तो ये नहीं सोचा। एक होता है ना सोच कि हम किसी के बारे में ये नहीं सोच सकते कि ये हमारे साथ ऐसा हो सकता है। बकवास करेगी ना तो समझ जाना ऐसा है। थोड़ा तमीज में रह लो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ ना, तो तुम सर पे चढ़ रहे हो मेरे। यही तुम जैसे लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है, तुमसे जरा सा थोड़ा सा भाव दे दो ना तो तुम सर पे चढ़ने लग जाते हो। क्या करूँ? प्यार करना गुनाह तो है नहीं? मैं और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करूंगा और तुम्हें भी करना होगा। अच्छा, क्या कर लोगे अगर मैं ना नहीं? फिर देखना क्या करेंगे। क्या कर लोगे तुम मुझे बता दो। अभी चाहे तो तुम्हें
क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, और लेकिन इतना भी नहीं कर सकते हैं, इतना भी गिरे हुए नहीं है हम तुमसे। तुम प्यार हो करते हो और तो प्यार तुम से बहुत ज्यादा गिरे हुए हो ना तुम। चुप, गिरे हुए हैं ज्यादा तुम ना, बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। सॉरी सॉरी, गलती हो गया, गलती छोड़ो। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें चाटा लगाऊं, ठीक है, मैं नहीं चाहता फिर था। देख दिमाग खराब मत कर, तमीज में बोलो, तमीज से बात करो। तू गुस्से में भी होती है ना, बहुत प्यारी लगती है सच में। तुम साइको हो क्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? तुम तुम्हारे मुझे सोचा नहीं, तुम्हारे तुम लिए, तुम्हारे लिए समझदार हो गए। मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ आई हूँ इतनी दूर तुमसे मिलने के लिए। आ जाओ बैठो बैठो यार, बदतमीजी मत करो ठीक है। अरे यार तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाना है। क्या साइको पागल, जो भी तुम्हें समझ आए ना वो सब बन जाऊंगा आज के बाद। मुझे मैसेज मत कर देना, तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दूंगी ठीक है। करूंगा मैसेज, करके दिखाना तो करूंगा मैसेज ठीक है। और नहीं की ना समझना, मार डालेंगे ठीक है। बकवास करने के लिए आई यहाँ पे? तुम बकवास कर रहे हो यहाँ पे आके, क्या बदतमीजी चल कर रहे हो? ये यहाँ पे मेरा दिल है ठीक है, और ये तुम्हारे लिए है। तुम यहाँ पे मार रही कर सकते हो ना, मैंने तुम्हारा सोचा नहीं और था। तुम जो कर रही हो ना, मैं क्या कर, शायद मेरे लाइफ में फर्स्ट लड़की है जो इतना कर सकती है। दूसरा कोई रहता ना तो क्या करते फिर समझ में आता ठीक है। मैं ऐसे ही हूँ, मेरा जिससे दिल करेगा मैं उसके साथ रहूंगी। तुम एक दिन हाँ बोलोगी, एक दिन हाँ बोलोगी, एक दिन हाँ बोलूंगी और इस दिन का वेट कर रहे हैं ठीक है। बोलेगी तो शर्त लगा, मुझे इतना विश्वास है। तुम जो मर्जी कर लो, बेशक तुम मर जाओ या किसी को मार दो, या तुम बेशक मुझे मारने आ जाओ, चाहो तो मार सकती हो, तुम चाहे तो मार सकती हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना, मैं पागल नहीं हूँ ना, मैं किसी को हर्ट करना नहीं जानती ठीक है। तभी तो मैं प्यार से समझाने आई थी यहाँ पे। जा निकल, चल निकल यहाँ से, निकल जा, जा निकल अभी। जिस दिन हाँ होगा ना उसी दिन आना, चल निकल, बकवास बंद कर। पागल गई थी, बकवास करने आ गई। देखिए कैमरा इसलिए लगवाए थे कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, और टीम वाले को भी नहीं बता सकते हैं कि साला टीम वाले हैं जो साला सब अपने आप में बिजी रहते हैं और अपने आप को बस दिखाना बढ़ाना बस जो भी है। पहनचो दिमाग घूम गया मेरा ठीक है। और ये सिमरन है और इससे मैं बहुत प्यार करता था, पहले देखा था कहीं पार्क में मिली थी। और सुजीत पांडे का दोस्त भी है, मुझे मालूम है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि राहुल कौन है क्या है जो भी है। मैं उसके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा था, काफ़ी दिन हो गए, बहुत दिन से, और ऐसा कुछ गंदा चीज़ नहीं बोला हूँ या कुछ, मैं ये बोला हूँ कि प्यार करता हूँ और तुम्हें जैसे ही पाना होगा तो वो चीज़ करेंगे ठीक है। और मैं इतना अपने घर वाले को भी बताया कि माँ मैं एक लड़की से, मेरे शादी के लिए बात चल रहा था, मैंने बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, तो मेरे घर वाले भी मान गए कि कोई नहीं। लेकिन ये लड़की आज मिलने के लिए आई और ऐसा कर दी, क्या बताएं, इसीलिए कैमरा लगाए थे बस।